देखो कैसे लग रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को फिर से और एक नया वीडियो में। तो गैस आज हम लोग जाएंगे अभी वहाँ पे जो हम लोग का ट्रेडिशनल वाला ड्रेस होता है ना, वो बेचने के लिए आया है। एक दीदी ने मुझे कॉल किया, मेरा ही दीदी है, तो उसने कॉल किया है लेना है, तो आ जाओ तो देखेंगे। देखते हैं, अच्छा होगा तो ले लेंगे, अच्छा नहीं होगा तो नहीं लेंगे, क्योंकि दाम भी ज़्यादा होता है। बैग वगैरह भी लेके आया बोल रही है, तो वो ट्रेडिशनल वाला ड्रेस ज़्यादा महंगा होने से ना नहीं लेंगे, बस वो छोटा सा बैग ले लेंगे। तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है, जुगाड़ क्या होता है। तो मेरा पति तब गया है अभी बैग लेने के लिए, तो अभी चलते हैं गाइस। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे बैग वगैरह क्या क्या है इसको देखो पहले, और इसमें बैग भी है। पति तब तरफ कैमरा करो, देखो गाइस चप्पल भी है। इतना ज्यादा नहीं पसंद है, देखते हैं पसंद है कि नहीं है। पैन भी है, पता नहीं मेरा ऊपर कैसा लग रहा है। खोल जा रहा है रे बाबा, गंदा हो जाएगा रे, नहीं तो गाली करेगा। देखो कैसे लग रहा है, पता नहीं यार, मुझे भी पता नहीं गाइस कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे इतना खास नहीं लगा है, इसको मैं बाहर रख देती हूँ। अच्छा लग रहा है वो जीजू के ऊपर। लेडीज का पिछवाड़ा जैसा है ना, सेम सेम। ये दो दो लिया है, कितना किलो? 49। पहले 50 था, अभी 49 हो। एक किलो कहूंगे ना। हाँ तो गाइस जितने भी देखा है मेरा मन पसंद नहीं हुआ है, तो अभी घर लौट के ही जा रहे हैं हम लोग। तो नहीं तो मुझे चप्पल लेना था, चप्पल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो चप्पल छोटा पड़ गया इसलिए नहीं लिया है। तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे तेजू में, क्योंकि मेरा छोटा भाई का तबीयत ख़राब है, यानी कि ना बीमार है ना कुछ भी नहीं है, बस दिल के बीमार है। पता नहीं उसका दिल को अचानक वो हो जाता है, दर्द करने लगा लग जाता है, इसलिए हम लोग चेकअप करने के लिए जाएंगे। और ये भी रेडी हो चुका है, ये भी जाएगा, और प्लस वो मेरी बहन भी जाएगी, और मेरा छोटा भाई भी वहाँ पे बैठा हुआ है। पहले मम्मी भी जाने वाली थी, लेकिन नहीं जाएगी मम्मी, क्योंकि मेरा बहन भी जाएगा ना, तो हम चारों लोग एक ही साथ में जाएंगे। और मैं थोड़ा वहाँ से कपड़ा वगैरह भी लेके आऊँगी बीहू के लिए, क्योंकि बीहू ज़्यादा देर भी नहीं है, इसको जैकेट चाहिए, गर्मी में भी जैकेट चाहिए। हमारा यहाँ ठंडा पड़ता ना। और मैं वहाँ से देखती हूँ कैसा लेके आऊँगी। और मेरा बहन क्या बोल रही है, वो
उसको क्या बोलता है, हेयर स्ट्रेट। हाँ वही करवाएगी, बाल को सीधा करवाएगी, मुझे बोलना नहीं आता है। तो देखते हैं वहाँ पे जाके बहन क्या करती है और मैं भी क्या लेता हूँ। और ये तो चेकअप करवाएगा, इसका हालत ख़राब हो चुका है, दिल ही इसका बीमार हो गया है ना, दिल बीमार हो गया है। कोई है ही नहीं है शादी करने के लिए। तो गाइस हम लोग अभी हॉस्पिटल में पहुंच गए, पता नहीं वीडियो बनाना अलाउ है या नहीं, मैं भी फिर भी सब कुछ पे बना रही हूँ। और हम दोनों बहनें बाहर भी निकाल चुके हैं और मेरा छोटा भाई और उसका वो जीजा को छोड़ के आ गए हैं। अभी तक वो दफ्तर जी नहीं आए हैं इसीलिए, और एक अंकल है उसका, उन लोग तीन लोग हैं लड़का लोग, और हम लड़की लोग हम लोग बाहर निकाल गया है क्योंकि लड़के लोग को ना सामान देखते देते तो पूरा टाइम ही लग जाता है, इसलिए हम दोनों बहनें बाहर निकाल गया है। तो बस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, दुकान में कपड़ा देख रहे हैं, पता नहीं है ये भी अच्छा लग रहा है क्या। हाँ ये वाला, ये हाँ ये वाला अच्छा है ना, वो ना ये वाला रेड रेड मेरे ऊपर रहता ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों हम लोग से थेजू से भी घर पे पहुंच गए हैं। मैंने ऐसे कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि दुकान खुला ही नहीं था, बस एक दो ही दुकान खुला था, और मैंने कपड़ा देखा था लेकिन अच्छा भी नहीं लगा है। तो जल्दी जल्दी भी आ गए हम लोग, और अभी खाना बनाना है। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे भूखा गए थे, भूख भी लग रही है मुझे। तो मेरा छोटा भाई का सब कुछ ठीक है, बड़ा नॉर्मल है, तो पता नहीं उसको दर्द, तो डॉक्टर ने बोला है कि जो हड्डी में होता है ना उसको दर्द होता है, तो ये नॉर्मल होता है बोला है, तो ठीक हो जाएगा ऐसे बोला कुछ दिनों में। तो अभी हम खाना बनाने की तैयारी करता, भूख भी बहुत तेज लग रहा है। और गैस ये सफा करते करते बारिश देना स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग सभी लोग अंदर में गए हैं, मम्मी आई है और वहाँ पे दीदी बैंगन तोड़ने के लिए जा रही है, जो हम लोग का खेत से है ना बैंगन, बहुत सारा बैंगन है, तो वहाँ से वो बैंगन तोड़ के लेके जाएगी घर पे। और दीदी यहाँ से बैंगन तोड़ के लेके जा रही है, पक्का वाला भी और कच्चा वाला भी। और यहाँ पे देखिए गैस काफ़ी सारा बैंगन है ना, और मैं जाऊंगी जिस दिन बिहू होता है उसी दिन बेचने के लिए जाऊंगी, क्योंकि तो आज वो महंगा होता है ना, इसीलिए अभी तो अभी बेचने के लिए जाएंगे तो सस्ता ही होगा, बस 20 रुपया ऐसे मिलेगा उस बार मिल। और यहाँ पे कुछू लगाए हैं मेरा छोटा भाई ने, पूरा सुपारी का बगान का बीच में लगाया है। यहाँ पे टिकेगा इस कुच्चू, अभी कुच्चू उगना भी स्टार्ट हो चुका है, और ये जितना भी देख रहा हूँ वहाँ से वहाँ तक लगाया है। और मैं उस दिन वो बिंदी वगैरह लगाई थी, बिंदी का भी यहाँ पे मैंने वो क्या बोलेंगे, हाँ लगाई थी बोलेंगे तो लगाई थी, और सीम भी यहाँ पे लगाए थे, देखे रहो गाइस बस एक ही है, बाकी सब तो ख़राब हो गया। हाँ दो है ये, और मुझे अच्छे से साफ भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी है, हाँ उग गया है। और बिंदी का बीज भी लगाए थे, बिंदी तो देख पता नहीं ये बिंदी उग गया है कि नहीं उगा है। हाँ यहाँ पे बिंदी भी है और उस साइड भी। और गैस मैं दिखाना भूल गई थी, ये बितुल ने ऑर्डर किया था, पता नहीं कौन सा ऐप से वो ऑर्डर किया है। और देखो ना कितना सुंदर सुंदर वो चम्मच भी है, और ये प्लास्टिक ये भी है, कितना अच्छा लग रहा है ये वाला। तो पहले ना वो नहीं था, वो चम्मच नहीं था, तो इसे मैं ये बड़ा खाने के लिए, तो उसी दिन से ही वो मांगा लिया कि हाँ चम्मच नहीं था तो अभी मांगते हैं बोला है, तो ऑनलाइन ही पूरा उधार कर लिया है। और यहाँ पे भी है, ये पता नहीं क्या चम्मच फॉर्क चम्मच ना क्या बोलता है, उन्होंने बोला था मुझे। तो ये सब मैं बिहू में इस्तेमाल करूँगी, ज़्यादा दाम नहीं है, ऐसे 200-300 का ही होगा। और कितना सुंदर लग रहा है ना ये, अरे चाहे जहाँ भी रखूँ मैं, शायद मैं इस साइड में भी रखूँगी और ऊपर भी रख सकती हूँ, पूरा इजी है यहाँ पे देखिए ना गाइस। और ये चम्मच भी काफ़ी अच्छा है, ये तो पूरा वो है, ये थोड़ा पतला पतला है चम्मच, और ये थोड़ा मोटा मोटा वाला है। और गाइस शाम भी धीरे धीरे होने लगा है, अभी मुझे ये बर्तन वगैरह साफ करना है, मैं जल्दी जल्दी साफ नहीं कर पाई थी सुबह, वो सुबह ही हम लोग को जाना पड़ा था इसीलिए। तो गाइस बर्तन वगैरह भी मांस लिया है, और शाम भी हो रहा है, पता नहीं क्या सब्जी से खाना आएंगे, और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, ना धूप है ना बारिश, बारिश तो दिया था हाँ,
बारिश दिया था दिन भर ऐसे ही था। आप लोग देखिए पूरा ऐसे, और गए सारा तरफ काला काला बादल है। यहाँ पे देखिए आप लोग, इतना सारा मौसम खराब हो गया है, क्या ही बताए, कहीं और भी जा नहीं सकते हैं, घूम फिर भी नहीं सकते हैं, और घूमना तो छोड़ो, और काम वगैरह भी इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग काम भी नहीं कर सकते हैं। और गाइस कभी कभार ना ऐसे भी लगता था, बोरिंग जैसा लगता है किसी का, अच्छा भी नहीं लगता है, और काम वगैरह भी इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, अदरक लगाना है और वो सीम वगैरह भी लगाना है, वो सब करना है, दो दो जगह पे अदरक लगाएंगे, वो भी ख़त्म भी नहीं हो रहा है बारिश भी, अगर वो डूब देने से ना, वो डूब देने से तो हम लोग वहाँ पर जाते मंदिर में अदरक भी लगा लेते और सब काम भी निपटा लेते, अच्छे से बिहू भी मना लेते। और ऐसे भी बिहू पास में भी आ रहा है, और बारिश का मौसम, पता नहीं इस बार क्या होगा बिहू में। और गाइस अभी शादी में जाने के लिए पूरा रेडी हो गई हूँ मैं, सुबह कल बोला था तो मैं भूल गई थी, याद ही नहीं था मुझे, तो अभी हम लोग जाएंगे शादी का पार्टी में। पूरा शाम भी हो रहा है, पता नहीं शादी ख़त्म हो गया है क्या, तो भूल गए थे ना एक्चुअली, इसीलिए हम लोग नहीं गए। और सुबह इसीलिए, और सुबह भी वो मेरा भाई को लेके जाना पड़ा, इसी के कारण हम लोग नहीं गए हैं। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे शादी में, और ये तो कुछ गिफ्ट वगैरह ले लेगा, मैं तो पैसा ही दे दूँगी, गिफ्ट नहीं दूँगी, पैसा ही देखे आऊँगी। तो अभी फिलहाल चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है खाना, हम लोग शादी पार्टी में पहुँच चुके हैं, बस दो ही लोग हैं। तो यहाँ पे है उमा वेदर, पता नहीं उसमें क्या है, ये है बहू, हाथ मिला है। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे दो प्रकार का उमा वेदर है गाइस, और यहाँ पे है मिक्सर सब्जी, सबसे ज्यादा मुझे यही जो आलू का साग बनाया हुआ है ना वही अच्छा लगता है। और दोस्तों खा पी लिया है और पी भी लिया है, और आज मैं पहली बार थोड़ा सा मैंने सुपारी खाया था, क्या बताया, उमा बेटा थोड़ा नमक वाला था, इसलिए मैंने आज पहली बार मैंने थोड़ा सा सुपारी खा लिया, और हवा इतना ज़्यादा तेज चल रहा है गाइस, इसीलिए हम लोग को जल्दी जल्दी जाना है घर पे, क्योंकि आधे रास्ते में अगर पेड़ वगैरह सुपारी का पेड़ गिर जाएंगे तो जा भी नहीं पाएंगे। और यही वीडियो को मुझे एडिटिंग करके अपलोड भी करना है, पता नहीं मेरा पति तो कब आएगा, उसको ही मैं यहाँ पे रोत में वेट कर रही हूँ। और वहाँ पे है मनुष का घर, पता नहीं है क्या नहीं है मनुष्वा, तो एक्चुअली वो तो ज़्यादातर रजत में ही रहता है, घर पे नहीं रहता है वो। और ये है मेरा देवर लोग, हाँ शादी पत्ती खा के जा रहा है ना, कैसा लगा है शादी पत्ती? अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। और मेरा देवर लोग शादीशुदा भी है, जवान भी है। अच्छा ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे आ चुका है मेरा पति, तो अभी चलो मुझे वीडियो भी अपलोड करना है, ये वीडियो। और गाइस क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज हवा भी चल रहा है, और ठंडी भी मुझे इतना ज़्यादा लग रही है, और मुझे यही वीडियो को एडिटिंग करके अपलोड भी करना है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग में फिलहाल यहाँ पे, और गाइस मैं आज वीडियो नहीं डाला, हमें रेस्ट कर रहा है, रोज रोज वीडियो बनाना भी अभी बोर हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा मेहनत भी लगता है गाइस, सेम कंटेंट होने से भी आप लोग भी बिकाली देते हैं, इसीलिए रुक गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वो ब्लॉग के साथ, और मैं ना वीडियो को खत्म करी वो भी बाइक में बैठ के, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, हवा भी चल रहा है, आधा रास्ते में हम लोग को वीडियो भी अपलोड करना है इसी की वजह से, तो खत्म करते है गाइस। सो गाइस अभी हम लोग रुक गए हैं, और हम लोग सुबह गया था और मेरा साले साहब को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए, तो वो पूरा सही सलामत है, मतलब कुछ भी इफेक्ट कुछ भी नहीं है, तो छाती में थोड़ा दर्द किया था, तो वो मतलब नॉर्मल है, तो इन फ्यूचर मतलब लेट ना हो, इसलिए हम लोग लेके गया था ना। तो हॉस्पिटल में एक मेरा सिर्फ लोता भाई है, और मम्मी पापा का भी सिर्फ एक बेटा है, थोड़ा सा भी कोरोना से भी लेके जाना है हॉस्पिटल। एक लोता बेटा है, एक लोता भाई है, एक लोता साला है, इसलिए नहीं तो बाद में थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए बस थोड़ा छाती में थोड़ा बड़ा दर्द हुआ था, इसलिए पहुंचा दिया है, मतलब मेडिकल में पूरा सही सलामत, डॉक्टर लोग पूरा ओके, मशीन बिठा के चेक किया, सब कुछ किया, सब ओके नॉर्मल है, उसके बाद दिल पूरा शांत हो गया, मतलब खुश हो गया ये लोग का, सब ये लोग का परिवार का, एक लोता बेटा एक लोता भाई, इसलिए इसीलिए। सो गाइस आज की वीडियो को आइए फिनिश करेंगे, और रात होने लगा यहाँ पर,
और रास्ता का बीच में, और जाते वक्त ना वीडियो को भी कम्प्लीटली अपलोड करके जाएंगे और हवा भी चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, और प्लस ना मैं आज वीडियो नहीं डाला हूँ, मैं और रेस्ट कर रहा मैं, तो मेरा वीडियो तो खड़ा जाएंगे, मैं बस एक दिन रेस्ट। कंटिन्यू वीडियो बनाना एक तरफ से आसान नहीं है ना, मेहनत बहुत ज्यादा लगता है। हाँ हाँ, तो मैं आज शादी में थोड़ा बहुत पिया, हमें थोड़ा थोड़ा दो बियर फिनिश किया हमें, लेकिन मैंने नहीं पिया बस थोड़ा सा आज मैंने, कोई बात नहीं। और अभी तो यहाँ से हमारा घर लगभग 3 किलोमीटर है ना, और आधा रास्ता में नेटवर्क मिलते हैं, उसमें अपलोड करके जाएंगे ना। तो बाय दोस्तों, और गुड नाइट, बढ़िया से रहना, बर्फेट खाना खाना। अभी तो हम लोग खा के आए फोर्क के साथ ना खाना बर्फेट, लेकिन मैं बस इतना सा खाई हूँ खाना खा नहीं पाई। तो बाय और गुड नाइट। और कुछ लोग बोलेंगे कि वाइफ का बियर पिए हैं, लेकिन नहीं पिए हमने, बस सुपारी खाया थोड़ा सा, थोड़ा सा सुपारी खाया बस। गुड नाइट, बाय 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 बाय, रात होने लगा प्रोग्राम। तो अभी चलते हैं, वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और घर पे तो कोई भी नहीं है, और लाइट बढ़ रही पता नहीं आई, मैं चला क्या गया, मैं और ठीक ही किया है, और प्लस वो ऐसे भी अच्छा अपलोड करेंगे, तुरंत पब्लिक कर देंगे ना। और गाइस आप लोग कमेंट मत करना कि ऐसे कुछ भी, और मैंने, और मैंने नहीं, मेरा पति देव नहीं और बितुल जी नहीं, यहाँ पे पुनी के लिए कुछ खाना ले लिया है, और हमारा पुनी खाते तो बाय बाय सभी को।